एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफेंस वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। हम जानते हैं यहाँ के जो प्रधान जी है उससे जानते हैं। नमस्कार, आप तक के जो न्यूज़ रिपोर्टर है आपको तहे दिल से शुक्रिया। मैं ग्राम पंचायत प्रधान स्वदेश नगर, आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है ड्यूक नगर वार्ड नंबर 1। और एक प्रतिनिधि होने के नाते आज जो यहाँ पे जो हादसा हो गया इसके बारे में बताना, ये तो बहुत दुखदायक बात है। आज मेरे सामने यहाँ पे है सुशांत ढाली जी, जो एक सेटलर परिवार का बच्चा है। इनका पिताजी का लैंड आप देख सकते हैं, ये ऑपोजिट साइड में जो है ये पूरा रिकॉर्डेड लैंड है। तो रिकॉर्डेड लैंड से बेदखल होने के बाद इन लोग जो है 1976 से इसी जगह पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे घर था, आप देख सकते हैं ये घर को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद ऊपर में इनका जो है रोजी रोटी, इनका घर का जो आमदनी है, छोटा छोटा पेड़ से जो फल होता, उपजाऊ फल, इसको लेके बाजार में बिक्री करता। इसमें क्या फल है आप देख सकता, जो नोनी फल है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फल होता उसको बेचता है। कोई ख़राब चीज़ यहाँ पे नहीं है। आज उनका घर में एक बूढ़ी दादी है जो बेड रिडन है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, और उनका छोटा एक 3 महीना का बच्चा है और साथ में 2 छोटा-छोटा बच्चा है। इसको लेके एक छोटा सा परिवार है जिसमें ना एक ब्रेक मारा, ऐसा एक घर है जिस घर में सारा रस्सी से बांधा हुआ घर, इस घर में इन लोग गुजारा इन लोग का चल रहा है। और उस घर से आज बेदखल करने के लिए हमको मालूम नहीं देश हित में किस तरह का काम होता है। आज इनका घर में आके तोड़फोड़ करने के लिए एक घर को तोड़ा गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो कनेक्शन को काटा गया। इनका घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है सरकारी तरफ से ही दिया गया था। जैसे आज के डेट में एनक्रोच लैंड में भी, रेवेन्यू लैंड में भी करंट कनेक्शन देने का प्रावधान हुआ है, इसी तरह उस समय का बात है जब इनको कनेक्शन मिला 1976 में जब यहाँ पे इन लोग सफाई किए थे। आप देख सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पेपर है, इस पेपर में पूरा डिटेल्स इनका नाम से है। यही सर्वे नंबर 9 है जहाँ पे इनको जो है दिखाया गया 1976 से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। तो ये pre-78 हो गया। और ये जो है अंडमान का ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है 1942 पोस्ट 1942 बंगाली सेटलर, तो ये हिसाब से मेंशन है। और ये उनका लोकल सर्टिफिकेट है जिसमें कैटेगरी 1B2 ये मेंशन है। ये कैटेगरी किसको मिलता है ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से जानता, लेकिन 76 से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो ये pre-78 हो गया। और ये जो है अंडमान का ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है
1942 पोस्ट 1942 बंगाली सेटलर, तो ए हिसाब से मेंशन है और ए उनका लोकल सर्टिफिकेट है जिसमें कैटेगरी 1B2 ये मेंशन है। ये कैटेगरी किसको मिलता है ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से जानता, लेकिन दुख का बात यह है कि इनका बूढ़ा पिताजी था और वो अकेला जो है लड़का है घर का, बूढ़ा पिताजी को किस तरह का डील करके इन लोग को मालूम नहीं, इनका जानकारी के बिना पूरा का पूरा जमीन किसी ने ले लिया, खरीद कर ले लिया। अब जमीन जो है ऑपोजिट में है, ये बेदखल होने के बाद जाने का कोई जगह नहीं है, तो रास्ता का ऑपोजिट साइड में यहीं पे आके घर बना के रहने लगा। तो ये क्या इनका गुनाह है, क्या इनको पता है ये कौन सा लैंड है क्या है? इनको बचने के लिए एक छत चाहिए था, एक टूटा फूटा टीना डाल के एक छत बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज मेरा सरकार से, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं प्रधान जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो है विनम्र उनसे जो है मेरा गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि इस तरह का मेरा गरीब लोगों के ऊपर इस तरह का अत्याचार ना हो, इनको बचाया जाए, इनका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और इनका एक सुराग किया जाए। जो लैंड होल्डिंग उनका पिताजी का है सेटलर होने के नाते, उसमें से 200 स्क्वायर मीटर जगह हाउस साइट के लिए अलॉटेड है, लेकिन वो हाउस साइट का जगह भी इनको नहीं मिला, पूरा का पूरा जगह दूसरा का कब्जा में है। आज वो जो कब्जा वाला जमीन है 200 स्क्वायर मीटर जिसका सेल नहीं हुआ, कम से कम वो जमीन उनको जो है वारिश होने के नाते वो जमीन उसको हैंड ओवर किया जाए। यहाँ के नॉर्थ मिडिल अंडमान के डीसी साहब से हमारा ये गुजारिश है कि आप इस मैटर को जांच करें और उनका हिस्सा का जो जमीन है ये नागरिक का अधिकार के हैसियत से उनका जमीन उनको वापस किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आइए, क्या विषय है यहाँ के, जो हम जो यहाँ के घर मालिक है उससे पहले हम जानते हैं। तो सर आपके नाम बताइए। सुशांत ओढ़ाली। तो सर क्या हुआ, घर पहले भी एक बार काटा, उससे पहले भी जमीन बगीचा काट दिया पूरा, अभी फिर आया, आने के बाद में इस तरह आके मीटर काट दिया, आके घर काटना शुरू कर दिया, बोलता खाली करो सब। और भी 100-200 फैमिली है, उन लोगों का किसी का कुछ नहीं किया, खाली मेरा पर में अत्याचार होता है एक का बाद एक, ये आदमी करता है। स्कोचलैंड है लेकिन आपको करंट और पानी भी दिया गया, पानी भी दिया गया, सब कुछ मिला मेरा को। अगल बगल भी स्कोचलैंड है सब है, लेकिन आप ही के ऊपर में टारगेट डाल, खाली टारगेट है और सब कुछ मेरा ऊपर में करता है, सेटलर का बच्चा है फिर भी मेरा ऊपर में इस तरह सब होता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।